नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पवन किशोर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी के टारगेट बैच में। और आज हम दूसरी क्लास लेकर के आए हैं विराम। हम कहते हैं कि हिंदी को रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, एंजॉय करना। कैसे एंजॉय करेगा भाई, यह वीडियो में पूरा हम बिल्कुल एंजॉय के साथ सीखेंगे कि विराम होत का है। अभी तक क्या हम विराम के पहला पार्ट पढ़ रहा, विराम के पहले पार्ट में आपने देखा कि श्री कांता प्रसाद गुरु के अनुसार हमने 20 विराम चिन्हों को पढ़ा था। अब 20 के बाद 10 पढ़ा था, आज 11वां है। तो इस 11वां के साथ आप इंजॉय करें। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाए के पवन सर के नाम से अगर हिंदी खोजेंगे या स्टडी अड्डा 95 चैनल के नाम से खोजेंगे तो आप पाएंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे कि कोष्टक चिन्ह, ये कोष्टक चिन्ह का होता है। अब कोई पूछे कोष्टक चिन्ह का होता है गुरुजी, तो कोष्टक चिन्ह मतलब कुछ ना, जब कोनो भी पद पंक्ति हमें समझ में ना आवे वह के अर्थ जानबे ना करी। अब जब अर्थ ना ही जानेंगे तो क्या करेंगे, उसको ब्रैकेट में समझाने के लिए अलग से लिख देंगे। ठीक, किसी पद पंक्ति में प्रयोग किया गया पद जब हमें सही तरीके से समझ में नहीं आता तो उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए क्या करते हैं, कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे शहर होते हुए मजदूर घर से निकल गए, तो शहर का मतलब कुछ लोगों को नहीं समझ में आवा। अब जेका नहीं समझ में आवा, कहें गुरुजी नहीं समझे शहर का मतलब, हम क्या समझाए थे ना, यह समझाए थे सुबह सुबह होते ही मजदूर घर से निकल गए। ठीक, चलिए 12 नंबर विस्मरण चिन्ह। अब विस्मरण का मतलब हो गया कि भूला हुआ, जब कोई चीज़ हम भूल जाएं और उसको याद आ जाए तब। जैसे अब सुबह बच्चे क्रिकेट है, सुबह बच्चे क्रिकेट हो गए, शाम को बच्चे थे और सुबह होते ही बच्चे सब क्रिकेट हो गए, ऐसा नहीं ना। कुछ चीज़ तो हम भूल रहे हैं, तो भूलते हुई चीज़ को सही जगह पर लिखने के लिए हम कैसे चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इस प्रकार करेंगे। गुरु जी किताब हाय, ठीक ऐसे करेंगे। ठीक है, इतना समझ गए बस। तो विस्मरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर हो गया। और अगला हम देखेंगे इसमें कि लाघव चिन्ह क्या होता है। भाई लाघव चिन्ह का प्रयोग सबका पता है, जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब, बट डॉक्टर बोले और लिखना हुआ तो डॉक्टर लिखे कैसे। अब जब लिखे तो इस प्रकार से उसी को बोलेंगे लाघव। चलिए समझते हैं लाघव। लाघव लाघव 13 लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह को ऐसे करते हैं। ठीक, जब किसी भी ऐसी चीज जो मशहूर हो, बहुत ही फेमस हो और वह का प्रदर्शित करे हुए, तो हम क्या करे थे, आगे सुन में लगाए थे। अब सुन के तरीके से जब लगाए तो का भा वो समझ में आएगा कि ये चीज यही लिखा हुआ है, तो इसका क्या कहा है लाघव। लाघव की बात करें तो लाघव आया कहां से, लघु। लघु का क्या होता है, रूप छोटा। लघु का रूप होता है छोटा। अब छोटा प्रदर्शित करने के लिए जब किसी चीज को हमें छोटा करना पड़ेगा, प्रचलित चीज को जब हम छोटा करेंगे, किसी प्रचलित या मशहूर, किसी प्रचलित या मशहूर व्यक्ति वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोई ऐसी चीज जिसको हमें प्रदर्शित करना हो और बहुत मशहूर हो, बहुत फेमस हो, तो वह का खतरे हमका क्या करे है, कुछ ना करे है, बस एक उनको छोटा रूप देना है, संक्षिप्त रूप देना है, जिसको लघु बोलते हैं। लाघव का मतलब कि लघु मतलब छोटा। जैसे लिखना है डॉक्टर, हमने दे दिया छोटा रूप, हमने दे दिया छोटा रूप। ठीक है, हा? उत्तर प्रदेश, समझ गए हम, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया जैसे। और जैसे का मतलब उदाहरण। ठीक, उदाहरण। अब आगे के चिन्ह देखे थे, चिन्ह नंबर 14,
जगह कहाँ जाता है? लोप चिन्ह। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह का क्या मतलब होता है? लोप चिन्ह का क्या मतलब है? जब कोई देखिए भाई, जब कोई पद पंक्ति हम लिख रहे होते हैं और उस अंश को छोड़ देते हैं, कितने अंश को, जैसे कहते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, तो उस चीज को छोड़ देते हैं, उसी को कहते हैं लोप। जब कोई वाक्यांश छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, जैसे तुम सब चले जाओ। अब ये लोप हो गया है, लोप का मतलब गायब हो गया। अब जो चीज गायब होगा वो का जब भरक हुए तो का कर रखे, तुम सब चले जाओ। कहां चले जाओ? मेला चले जाओ, बाजार चले जाओ, कहीं चले जाओ, लेकिन चले जाओ। इसलिए इनको क्या कहते हैं? लोप। ठीक है, 13, 14। अब हमको देखना है 15 नंबर का, जो है दीर्घ उच्चारण। भाई दीर्घ उच्चारण सब लोग समझते हो। अब भाई हम वर्णमाला पढ़ाए रहे, तो जब वर्णमाला पढ़े रहे हो तो याद हो चाहिए कि दीर्घ और लघु क्या हो सब पढ़ावा है। चलो देखो, दीर्घ दीर्घ चिन्ह, ये दीर्घ का हुआ है और एस की तरह बना हुआ है, 5 की तरह बना हुआ है, ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है। जब किसी नाम को हमें पुकारना होता है और उसमें कई मात्राओं का योग होता है, उसमें कई मात्राओं का योग होता है, उसको दीर्घ चिन्ह बोलते हैं। जब किसी नाम या वस्तु में कई मात्राओं का योग हो, कई मात्राओं का योग हो, उसे दीर्घ चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जैसे अब कई मात्राओं का समय हो गया कि किसी चीज को पुकारते समय कई बहुत ज्यादा समय लगे, जो सबसे ज्यादा समय, जैसे मान लो हमें बोलना है राधा, तो लिखा हुआ रूप तो ये सही है, पर जब दीर्घ मात्रक प्रयोग हुए तब कौन सही हुए? ये राधा, ये सही होगा भैया। सोहन, ये होता है सोहन। ठीक, मीरा, ये होता है मीरा। कभी भी जैसे बोलते हो कि काका, तो ये तो नहीं बोलते काका, ऐसा थोड़ी ना होता है, वो होता है काका। और जब राधा बोलते हो तो ये नहीं बोलते राधा, ऐसा नहीं बोलते हो भैया, ऐसा नहीं बोला जाता है राधा या राधा राधा, तो उसमें डबल मात्राओं के भी योग से ज्यादा का मात्रा प्रयोग होता है, इसलिए वो का कहते हैं दीर्घ चिन्ह। और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, सबको पता है कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और दीर्घ मात्राओं को ऐसे प्रदर्शित, इनको अगर देखा जाए तो गुरु मात्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु मात्रा भी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह, भाई पुनरुक्ति का मतलब हो गया कि बार बार, पुनरुक्ति का चिन्ह हो गया बार बार।
पुनरुक्ति। पुनरुक्ति चिन्ह कैसे होता है? ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, पुनरुक्ति का मतलब है, पुनरुक्ति का मतलब है कोई भी चीज़ जब दो बार तीन बार लिखी जाए तो क्या फ़ायदा उस लाइन को वैसे ही लिखने, इन वैसे काम डाल लो हो जाता है, आपको समझ भी आ जाना चाहिए। चलिए, हाँ एक ही शब्द को, एक ही शब्द को बार बार लिखने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बार बार एक ही शब्द को बार बार लिखने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग कर, कैसे? जैसे किसी भी चीज को मान लेते हैं, जैसे चीनी की मात्रा, फिर गेहूं की मात्रा, भाई तो यही चीज लिखना है। इस एक ही शब्द दो बार रिपीट होता है, तो जब दो बार रिपीट होता है तो क्या करते हैं, ऐसे डाल देते हैं। चावल की मात्रा, ये लो, ठीक है। या अनाज, पहली पंक्ति पूर्ण रूप से होगी, दूसरी पंक्ति में हम इस पद का स्टार्ट, इस पद चिन्ह का स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक, अगला देखते हैं, कौन सा अगला? रेखा चिन्ह, 17 नंबर रेखा चिन्ह। अच्छे लगता है रेखा चिन्ह, क्यों लगता है? जब किसी, जिन शब्दों या वाक्यों में विशेष अवधारणा देनी होती है, जब किसी शब्दों या वाक्यों में विशेष अवधारणा देनी होती है, तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कोई पैराग्राफ दिया है, बड़ा सा पैराग्राफ, और किसी भी उस चिन्ह को, उस लाइन को अंडर, जैसे बोलते हो इंग्लिश में अंडरलाइन, तो इसी को बोलते हैं रेखा चिन्ह। ऐसे अंडरलाइन कर देना, इसी को बोलेंगे रेखा चिन्ह। चलिए, अगला देखे थे 18 नंबर। तो आप लोग को टारगेट बैच हिंदी अच्छे समझ में आ रही होगी, अगर आपको अच्छे समझ में आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बगल में घंटा है, घंटा जरूर बजाए दें भैया, अगर घंटा बजाएंगे तो आपको जो वीडियो बने वो पहले पहल मिल जाए। ठीक, तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक चिन्ह। अब तुल्यता सूचक को देखते ही पता चल गया होगा कि जब किसी की तुलना की जा रही हो, जब किसी की तुलना की जा रही हो, जैसे पाषाण। अब जब एक प्रदर्शित करे परे, एक सेम अर्थ लेके आवे परे, तब तो एक तुल्यात्मक सूचक बोलेंगे,
क्या बोलेंगे? तुल्यार्थ, जैसे पाषाण का मतलब पत्थर। तो ये देखो भैया, इस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? तुल्यात्मक सूचक। ठीक है, अगला धरा। धरा बराबर पृथ्वी। पवन, पवन मतलब हवा या बयार। बहेली जब जब पुरवैया हो। ठीक, चले अब एक और बच, एक है 19 नंबर, अथवा। अथवा चिन्ह, ये अथवा चिन्ह का मतलब हो गया जब किसी चीज में समान चीज आए, जब एक चीज को एक चीज के साथ दूसरी चीज को आपको लिखने की पढ़ने की अनुमति दी जाए, वहां लगता है अथवा चिन्ह। ऐसे होता है अथवा चिन्ह, कैसे? इस प्रकार से, इसको बोलेंगे अथवा चिन्ह। जब किसी स्थान पर दूसरे शब्द के प्रयोग को दिखाने के लिए, अथवा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे गाय हो गया या घोड़ा हो गया। आकाश हो गई, या तो पृथ्वी होएगा, दो चीज। तो जब अथवा चिन्ह का प्रयोग करे हुए तो क्या करे है, जब एक समान अर्थ उसी के समान कोनो और अर्थ का है पढ़े हुए या लिखे हुए, तो वो का कहते हैं अथवा चिन्ह। ठीक है, अंतिम हम एक और बचा है, अंतिम हम करा दे रहे हैं, और अब अगली क्लास जो भी आपकी होगी तो या तो उपसर्ग की होगी या तो फिर समास की होगी, बताया जाएगा आपको कि आपकी अगली क्लास कौन सी होगी। लास्ट है 20 नंबर, समाप्ति सूचक चिन्ह। क्या? समाप्ति सूचक चिन्ह कैसे होता है? ऐसे होता है, जब पीटीओ लिखते हैं, जब कोई अध्याय कंप्लीट हो जाता है तो नीचे पेज बच जाता है, तो क्या लिख देते हैं? पीटीओ, किसी लेख अथवा अध्याय अथवा पुस्तक की समाप्ति पर। इस चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक, जब कोई पद पंक्ति समाप्त हो जाती है, पेज समाप्त हो जाता है, अध्याय समाप्त हो जाता है, तो इस चिन्ह का प्रयोग होता है। और इसी चिन्ह के साथ आज की विराम की दूसरी क्लास समाप्त। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, सभी हमारे चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में एक घंटा हुए वो घंटा जरूर हिला दें, घंटा हिलाई है फिर जो हमारे वीडियो पहले बने वो आपके लगे सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो जो भी हमारे वीडियो का देखा था सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करत रहें, और ऐसे मज़ेदार वीडियो पावे खातिर हमको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।